नदिया में विद्युत चोरी बताओ और पुरस्कार पाओ। विद्युत विभाग का अनोखा उपक्रम, जहां पकड़ी गई चोरी की 10% मिलेंगी राशि, और साथ ही 2 दिनों में 3 बड़ी चोरी पकड़ी गई है। विद्युत चोरी प्रकरणों से विद्युत हानि के साथ ही आर्थिक नुकसान भी विद्युत विभाग को सहन करना पड़ता है। इस पर रोक लगाने विद्युत विभाग ने विद्युत चोरी बताओ और 10% राशि पाओ का पुरस्कार हासिल करे ऐसा उपक्रम शुरू किया है, जहां पर कर्मचारियों को भी अवसर मिला है। अपने कार्य क्षेत्र में बाहर वाली विद्युत चोरी की सूचना देने वाले विभाग के कर्मचारियों को भी पुरस्कार योजना लागू कर दी है, ऐसा स्पष्ट किया गया है। वहीं दूसरी ओर से सबसे बड़ी खबर आ रही है गोंदिया से ही, जहां बेरोजगारों के साथ किया है अन्याय। तुमसर क्षेत्र के यूनिवर्सल फेरो अलाइज कारखाने के मालिक बिजली बिल माफ करवा कर अपने ही वादे से मुखर गए हैं। उन्होंने सरकार व जनता के साथ धोखाधड़ी कर स्वार्थ सिद्ध किया है। इस कारण सरकार को चाहिए कि सरकार कारखाना मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करे, साथ ही सरकार के माध्यम से कारखाना शुरू करवा कर बेरोजगारों के साथ न्याय करे। इस तरह की मांगे 20 वर्षों से बेरोजगारी की मार झेल रहे मजदूर व किसानों ने सरकार से की है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वह नागपुर से केवल 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित यूनिफेरो का कारखाना शुरू कर लोगों को फिर से रोजगार दिलाने की दिशा में प्रयास करें, ऐसी मांग वह कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर से ही सबसे बड़ी खबर आ रही है गोंदिया विधानसभा चुनाव, जहां 82 एसटी बसें की है आरक्षित। जिला चुनाव प्रशासन जुटा है तैयारियों में। गोंदिया में 21 अक्टूबर को होने वाले जिले के 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए जिला चुनाव प्रशासन ने 82 बसें गोंदिया डिपो से आरक्षित की है। विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के लिए जिला प्रशासन के हजारों अधिकारी कर्मचारी रात दिन काम कर रहे हैं। यातायात अभाव वाले ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन के लिए एसटी बसें सेवा अच्छा विकल्प है, जहां गोंदिया डिपो से 82 बसें की मांग की है, जिसमें गोंदिया उपविभागीय कार्यालय ने 20, देवरी से 30 और पुलिस विभाग में 20 बसों का समावेश है, जहां उनका मूल्य 40 रुपए दर्शाया गया है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।